हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेने नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में जानकारी दूंगी। सो सबसे पहले हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं जिस पॉइंट्स पर मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो है व्हाट इज़ डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या है। सेकेंड पॉइंट है एलिजिबिलिटी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, हाउ टू बिकम डाटा एंट्री ऑपरेटर। फोर्थ पॉइंट रहेगा हाउ टू लर्न डाटा एंट्री, डाटा एंट्री आप कैसे सीख सकते हैं या किस तरह से की जाती है। डाटा एंट्री कोर्सेज के बारे में जानकारी दूंगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब प्रोफाइल्स एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी कितनी रहती है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, क्लियर करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं मेरा चैनल है गवर्नमेंट जॉब जेने नोटिफिकेशन चैनल। मैं अपने चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में जानकारी, साथ ही साथ कोर्सेज के बारे में जानकारी देती हूं। तो अगर आप भी ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं वैकेंसीज के बारे में या कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में मैं आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में जानकारी दूंगी। सारे पॉइंट्स आप देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे व्हाट इज़ डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DEOV कहते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का शॉर्ट फॉर्म DEO। डाटा एंट्री में डाटा को अपडेट करना, ऐड करना या डाटा को मेंटेन करना, स्टोर डाटा को मेंटेन करना, इस तरह से टेक्स्ट या नंबर फॉर्म में आपको जो भी डाटा दिया जाता है, ये जो डाटा है आपका टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है या नंबर फॉर्म में भी। टेक्स्ट एंड नंबर फॉर्म में आपको जो डाटा दिया जाता है वो कंप्यूटर में एंटर आपको करना होता है, इसी को हम कहते हैं डाटा एंट्री। डाटा एंट्री वर्क जिसके द्वारा किया जाता है या जिसके द्वारा ये वर्क ऑपरेट किया जाता है डाटा एंट्री का, उसको हम कहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट पर किया जा सकता है। सो इसी तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन पर डाटा एंट्री कवर किया जाता है या डाटा एंट्री की जाती है। तो डाटा एंट्री का जो वर्क है जिसके द्वारा किया जाता है या जिसके द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है, उसी को हम कहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। सो अब आप समझ गए होंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में, किस तरह से जो शॉर्ट फॉर्म है और किस तरह से आपका वर्क रहता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन, अगर आप 10th पास आउट हैं या 12th पास आउट हैं या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, सभी के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिल सकती है। किसी किसी डिपार्टमेंट में 10th पास, किसी में 12th, और कोई कोई जो है डिपार्टमेंट वो ग्रेजुएशन के बेस पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब वैकेंसीज लेते हैं या आवेदन आमंत्रित करते हैं, तो आप इसमें 10th, 12th ग्रेजुएशन के बेस पर डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू बिकम अ DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर आप कैसे बन सकते हैं। सो डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए सबसे पहले रहेगा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहनी चाहिए, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन के बेस पर डाटा एंट्री ऑपरेटर आप बन सकते हैं। सो डाटा एंट्री के लिए आपको, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको हायर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएशन हैं तब आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। बस आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये डाटा एंट्री जो वर्क रहता है पूरी तरह से कंप्यूटर पर रहता है, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, तब आप यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाई रहते हैं। नेक्स्ट है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी आपको जरूरी है, कंपलसरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क ही रहता है टाइप करके डाटा को एंटर करना। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश की जो टाइपिंग है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपकी स्पीड हिंदी में है 30 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट है, तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने में ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर लैंग्वेज नॉलेज। सो आपको लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको हिंदी में टाइप करने को दिया जाता है, इंग्लिश का आपको कोई डेटा दिया गया है जिसको आपको हिंदी में टाइप करना है या हिंदी का दिया गया और आपको इंग्लिश में एंटर करना है, देन या मिक्सिंग भी रहते हैं वर्ड्स,
उस तरह से अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में कमांड अच्छी है तो आपके लिए अच्छा रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, डाटा एंट्री एक कंप्यूटर वर्क है, कंप्यूटर पर ही इसमें सारा वर्क किया जाता है, इसलिए आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर आप DEO बनना चाहते हैं तब आपको क्वालिफिकेशन में आपका रहेगा 10th 12th या ग्रेजुएशन, किसी भी बेस पर आप बन सकते हैं। सेकंड, आपका टाइपिंग स्पीड रहेगी, अगर आपने टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आपके लिए ये अच्छा है, बेनिफिट है। नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पर जो लैंग्वेज नॉलेज है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों की ही नॉलेज होनी चाहिए। एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज अगर आपको है, कंप्यूटर की नॉलेज आपको अच्छी खासी है, देन आप DEO डाटा एंट्री ऑप सकते हैं। सो डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए चारों पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पर हाउ टू लर्न डाटा एंट्री, डाटा एंट्री आप कैसे सीख सकते हैं। तो डाटा एंट्री अगर आप सीखना चाहते हैं तब आप इसमें कोर्स भी कर सकते हैं, कुछ कोर्सेज हैं, अगर आप वो करते हैं, डाटा एंट्री कोर्सेज आप करते हैं तो आपको इसमें बेनिफिट रहेगा। बेसिक नॉलेज इस जो कोर्सेज हैं वो 1 ईयर का कोर्स रहता है डाटा एंट्री का, एंड आपको इसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस के बारे में आपको बताया जाता है, इस पर किस तरह से आपको वर्क करना है, डाटा किस तरह से आप एंटर करेंगे, तो आप ये 1 ईयर का डाटा एंट्री कोर्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें ITI कोर्स भी कर सकते हैं, अगर आप ITI कोर्स करना चाहते हैं, ट्रेड्स रहता है, अगर आप वो कर सकते हैं तो आप ITI कोर्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में। अगर आप डाटा एंट्री कोर्स नहीं करना चाहते हैं, ITI कोर्स नहीं करना चाहते हैं, और मैं कहूँगी डाटा एंट्री कोर्स के अपेक्षा अगर आप कोई कंप्यूटर कोर्स करते हैं, कोई भी कंप्यूटर कोर्स अच्छे हाई लेवल का, या आप जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं करना चाहते हैं और उसके ऊपर अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो आप कीजिए, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर कंप्यूटर कोर्सेज जैसे कि PGDCA DCA में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको बताई जाती है, डाटा एंट्री से रिलेटेड जिस तरह का भी वर्क रहता है वो आपको जानकारी दी जाती है। सो अगर आप कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट रहता है, इसमें आपको डाटा एंट्री कोर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ में आप अदर जो वैकेंसीज रहती हैं उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो ये तो थे कोर्सेज के बारे में। अगर आप डाटा एंट्री बनना चाहते हैं तो आपको जो कोर्सेज हैं अगर करना है, बेसिकली कंप्यूटर कोर्स आप कर लीजिए, वो उससे आपको हेल्प रहती है। वैसे अगर आप कोर्स नहीं करना चाहते हैं, डाटा एंट्री कोर्स या ITI कोर्स या कंप्यूटर कोर्स आप नहीं करना चाहते हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तब भी आप बन सकते हैं, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जिस तरह का वर्क रहता है, डाटा एंट्री जो बेसिक नॉलेज, तो आजकल आप 12th के बेस पर भी कई कंपनीज हैं, कई वैकेंसीज निकलती हैं जिसमें आप 12th 10th या ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा एंट्री का वर्क रहता है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता है, बहुत ईजी रहता है डाटा को एंटर करना, बस आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग या ट्रेन करने की जरूरत रहती है। तो अगर आप कोर्स नहीं करना चाहते हैं डाटा एंट्री का या ITI का या कंप्यूटर कोर्स कोई भी, वैसे PGDCA या DCA ये दो कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, इनसे आपको अदर जो वैकेंसीज हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलती है अगर कंप्यूटर कोर्स आपके पास होता है। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोर्स ही करें, बस कोर्स से आपको कुछ बेनिफिट हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब प्रोफाइल। सो वैसे तो हम बेसिकली नाम से जानते ही हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर वर्क रहता है, बट आपका जो जॉब प्रोफाइल रहेगा किस तरह से आपको यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर जिस नाम से हम जानते ही हैं, डाटा एंट्री क्लर्क, डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर ऑपरेटर, हम डाटा एंट्री ऑपरेटर को कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि दोनों का ही वर्क सेम है, दोनों ही एक ही आप एक ही मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट मेडिकल रिकॉर्ड DEO यानी मेडिकल रिकॉर्ड डाटा एंट्री ऑपरेटर, इंश्योरेंस डाटा एंट्री एंड पर्सनल रिकॉर्ड डाटा एंड पर्सनल रिकॉर्ड DEO। सो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब प्रोफाइल्स हैं जिसमें आपको जॉब अगर लेते हैं तो अलग अलग कंपनीज या अलग अलग डिपार्टमेंट पे आपको अलग तरह से जॉब वैकेंसीज आ सकती हैं। सो इस तरह से ये जॉब प्रोफाइल है जिसमें आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर भी हम इनको कह सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सैलरी। डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर आप बनते हैं तो सैलरी क्या रहती है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बेसिकली हम स्टार्टिंग अप्रॉक्सीमेट देखें तो 8,000 से लेकर के 25,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहती है। अभी आपके डिपार्टमेंट पर डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट जॉब है आपकी या प्राइवेट है,
आप जिस कंपनी में या डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं वो आपको कितना हायर या कितनी बड़ी कंपनी है इस पर ये सैलरी डिपेंड करती है। लेकिन अप्रॉक्सीमेट इसमें 8,000 से लेकर के 25,000 सैलरी रहती है पर मंथ। इसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज़ भी आती हैं और प्राइवेट में भी आपको किसी भी कंपनी में आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है। सो ये तो थी सैलरी की बात। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनते हैं तो 8,000 से लेकर के 25,000 या इसके आगे भी आपकी कंपनी पर डिपेंड करेगा और आप इसमें ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कुछ पॉइंट्स जिनको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली थी, जैसे कि व्हाट इज़ डाटा एंट्री ऑपरेटर, एलिजिबिलिटी, हाउ टू बिकम अ डाटा एंट्री ऑपरेटर, हाउ टू लर्न डाटा एंट्री कोर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब प्रोफाइल एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर सैलरी। सो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किए, क्लियर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं अपने चैनल पर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज के बारे में जानकारी देती हूँ। तो अगर ऐसी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, जिसको भी इसकी ज़रूरत हो या नॉलेज लेनी हो डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड। सो थैंक यू।